सत्योन्वितं प्राम् प्रारूपरूपं अणिमां वतीर्यं लघिमां शतोर्यं सतवन्तरूपचरितं परमार्थनित्यं देहं विचिन्त्य भवब्रह्म ब्रह्मैव नित्यम्। मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस शरीर में ही सैकड़ों ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। इस शरीर में ही वे समस्त तीर्थ, वे समस्त वनराजी और वह समस्त जीवंत व्यक्तित्व है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन विशेष कुंजियों के माध्यम से हम अपने जीवन के उन स्थलों को पहचानें और जीवन के उन समस्त हिमालय को जागृत कर सकें, उत्तिष्ठ कर सकें, उत्तप्त कर सकें, जिससे कि हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन सकें और जीवन के उस असीम आनंद को अनुभव कर सकें जो हमारे जीवन का सत्य है। और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के सत्य को पहचान सकें। नवरात्रि के इस पर्व पर मेरा आधार मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय ऋषि के आतप्त शब्दों पर रहा है। मार्कंडेय अपने आप में ही अत्यंत सिद्ध योगी थे और इस श्लोक में उन्होंने अत्यंत ही गंभीर और गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। ऊपर से देखने पर इस श्लोक में कोई विशेषता नजर नहीं आती। ऊपर से देखने पर तो इस श्लोक में ऐसा लगता है कि जैसे उस ऋषि ने, मार्कंडेय ने कहा है कि यह मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस पूरे हिमालय के उस समस्त प्रदेशों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को और ब्रह्म कमल को पहचान सकूं, उत्तप्त कर सकूं, उत्तिष्ठ कर सकूं, जागृत कर सकूं और जीवन के उन सत्यों को पा सकूं जिन सत्यों को ब्रह्म कहा गया है, यह इसका सरलार्थ है। मगर क्या इस श्लोक और इस सत्य को या इस चिंतन को स्पष्ट करने के लिए ही मार्कंडेय जैसे विचारशील व्यक्तित्व ने ऐसे श्लोक की रचना की? शायद इसमें और कुछ गूढ़ चिंतन है। और शंकराचार्य ने इसी श्लोक को आधार बना करके एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसको ब्रह्म सूत्र कहा गया। एक श्लोक पर पूर्ण ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की गई। अवश्य ही इस श्लोक में कुछ विशेष चिंतन है, उस विशेष चिंतन को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ने कहा है कि हम और जो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वह प्रदेश अपने आप में ही पूर्ण आर्यावर्त है। हमारा सारा शरीर अपने आप में आर्यावर्त है और इस शरीर को समझने की क्रिया अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने प्रवचन में आपको एक सतोवन के बारे में समझाया और ये बताया कि स्वर्गारोहण अपने आप में ही जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप कभी बनारस जाएं या इलाहाबाद जाएं तो वहां दोनों स्थानों पर अक्षय वट है और वहां पर आज से 100 साल पहले उस अक्षय वट पर चढ़ करके व्यक्ति नीचे कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर देते थे। इसलिए कि वे अक्षय वट से कूद करके यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। और मीरा के एक गीत में कहा गया है कि करवत लूंगी काशी, मैं काशी में जाकर के अपने शरीर को कटाना चाहती हूं। वहां पर एक समय बहुत बड़ी आरी होती थी जैसे लकड़ी को काटते हैं और उस आरी पर व्यक्ति लेट जाता था और दूसरी आरी से पूरे शरीर को काट डालता था और उनकी ऐसी मान्यता थी कि इस प्रकार से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। मगर ये सब कुछ बाद में भक्ति काल में ये सब तथ्य स्पष्ट हुए। सुबह में जो कुछ बता रहा था कि उस भगवती
तपोपंथ उस तपोवन में उसके प्रसिद्ध और अद्वितीय मंदिर में जब मैं बैठा तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में ही पूरा जीवन मेरे सामने साकार हो गया है। यद्यपि उससे पहले मैं अपने जीवन के कई ऐसे सत्य जिनको हमने ब्रह्म सत्य कहा है, जिसको सूत्र सत्य कहा है, जिसको आत्म सत्य कहा है, जिसको वेदांत सत्य कहा है, जिसको तथ्य कहा है, उन सारे सूत्रों को, उन चिंतनों को, उन साधनाओं को मैं समझा था, उनके सूत्रों को समझा था, उनके भाष्यों को समझा था और उस नवार्ण मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। मगर मैं आपको यह बात बताऊं कि नवार्ण मंत्र को पूर्ण प्रामाणिक ढंग से और चैतन्य ढंग से, सजीव ढंग से मैंने उसी मंदिर में समझा। यद्यपि इससे पहले उस दुर्गा सप्तशती को पूर्ण कंठस्थ किया था और इतना कंठस्थ था कि यह पूरा मार्कंड्य पुराण कंठ में समाहित था। आज भी उस मार्कंड्य पुराण को प्रारंभ से अथा से लगा करके इति तक मैं निश्चित रूप से सुना सकता हूं एक ही सांस में। मगर इतनी साधनाओं के बाद भी इस छोटे से नवान मंत्र की पूर्ण विराटता में नहीं समझ पाया था। उस विराटता का बोध मुझे उस मंदिर में ही हुआ। और क्यों हुआ, मैं सुबह एक बातचीत में आपके प्रवचन में अंतर्गत एक बात अपने तथ्य को, क्योंकि गुरु का तात्पर्य यह होता है कि अपने जीवंत और शाश्वत अनुभवों को अपने ही अनुभवों से पका करके देख करके फिर अपने शिष्य के सामने स्पष्ट करें। और मैं सुबह इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई संकोच नहीं था कि मैं उस स्वर्गारोहण की जो सीढ़ियां बर्फ की ऑटोमेटिकली सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों पर चढ़ने का मैंने प्रयास किया, यह देखा कि कितना चढ़ सकता हूं, यदि स्वर्ग है तो वास्तव में स्वर्ग है या केवल क्या तथ्य है, और ये सीढ़ियां प्रकृति की बनी हुई हैं तो कितनी सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। एक आदमी की जिजीविषा होती है, एक आदमी की अदम्य भावना होती है, लालसा होती है, एक इच्छा होती है, और इच्छा के वश में होकर के, अपनी भावनाओं के वश में होकर के वह सब कुछ करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा कि सुबह एक सीढ़ी पर तो मैंने पांव रखा और अपने पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, आप कल्पना करें कि उस समय जवानी का पूरा प्रवाह मेरे साथ था, पूरा जोश था, और पूरे प्रवाह और जोश के साथ में दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो सही, मगर तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि 15 सीढ़ी चढ़ गया, 20 सीढ़ी चढ़ गया, मैं चढ़ ही नहीं पाया। और मेरे मानस में एक चिंतन आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं, जब मैं इतना पूरे 27 मील के हिमखंड को पार करके जब मैं यहां आ सकता हूं, और ऐसे हिमखंड जो बिल्कुल दो दो क्षण में टूटते हैं, जो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो खड्ड बन जाते हैं, और ऐसे खड्ड कि पीछे भयंकर खड्ड है और हम जिस उस बर्फ के टीले पर, बर्फ के प्रदेश पर हैं, वहां से आगे चल रहे हैं और दूर से आगे खड्ड बन जाता है, न आप पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति को महसूस होता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वह निरंतरता का बोध कराता है। और इसीलिए कहा है कि हिमालय ही बोध करा सकता है कि मृत्यु क्या, कितनी दूरी पर है। मगर जो भूखंड, जो हिमखंड एक क्षण में अलग हो जाते हैं, दूसरे भूखंड जुड़ भी जाते हैं। यदि आप उस टूटते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखें और जुड़ते हुए देखें तो अपने आप में अनुभव है। तो 27 मील उस भूखंड को जो पार कर सके, देख सके, और उस तपोवन को, उस तपोपंथ को देख सके, उस मंदिर की और ऋचाओं को सुन सके, वह क्यों दो सीढ़ी के बाद ही तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। और मुझे उस दूसरी सीढ़ी पर पांव तो रखा, पूरे शरीर को भी खींच करके डाला अपने पूरी ताकत के साथ, ऐसा तो क्या है, ऐसा क्या हो गया है? मगर ऐसा लगा कि जैसा मेरा शरीर 5000 मण वजन का हो गया। अब एक छोटा सा शरीर उस 5000 मण जितने वजन को, और मैंने अपनी मंत्र को एक क्षण में, जब मृत्यु सामने आती है तब आदमी के सामने सारा जीवन एक बार आंखों के सामने घूम जाता है। आपने किसी मृत्यु हुए व्यक्ति को सही ढंग से देखा नहीं, आपने मृत्यु को तो देखा होगा कि चाचा जी मर गए या दादाजी मर गए, मृत्यु के क्षणों को नहीं देखा होगा। जब आदमी मरता है तब आप उसकी आंखों की तरफ ताकिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और निश्चय ही मृत्यु के एक या दो या तीन मिनट पहले, दो तीन मिनट, उसके जीवन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने कौंध जाती, घूम जाती है चलचित्र की तरह।
जो उसने बचपन में अच्छे काम किए, बुरे काम किए, गंदे काम किए, घटिया काम किए, ईश्वर चिंतन किया, जो कुछ भी किया, और कई लोगों के देखे होंगे उसी क्षण में आंखों में से आंसू निकलने लग जाते और कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं जिन्होंने जीवन में जैसे कार्य किए हैं उन पाप कर्मों को करने के बाद। उस समय जब पाप कर्म उसके सामने, मैंने इतना छल किया, उसको धोखा दिया, उसको विश्वासघात किया, ये काम किया, और उसके सामने आंखों की आंसू की धारा बहने लग जाती, और घरवाले कहते हैं रो मत, आप कोई बात चिंता मत करो, आपका सब तेरा सब ठीक करेंगे। ब्राह्मणों को बोला आप कोई दादाजी चिंता मत करो, हम सब आपके साथ बैठे। दादाजी खुद रो रहे हैं अपने कर्मों को याद करते, मृत्यु उसके सामने साकार होती है। और मैंने ज्यों ही उस शरीर से वापिस, पहले सीढ़ी पर पांव रखा तो शरीर वापिस हल्का, और मंदिर तक पहुंचा तो मैं बिल्कुल यथास्थिति में था वैसा ही। ये घटना तो घटी, मगर इस घटना का जरूर कोई इनको कारण होगा। उसमें बैठा उस तपोवंत के सामने बैठ करके पूरे शंकराचार्य के उस अष्टक को उनको सामने इस स्तोत्र में सुनाया, कपाली मातुम मे वारा वारा दारूपम प्राणवती सह्याद्री रूपम तम अविचल मरेर्वाव्यतिक्रम सतोवंतम पूर्णां सतत सहितम पूर्ण सहितम क्षम शिवम पूर्णाव्यै सतवत न सेव्यै सतव्रती। पूरे स्तोत्र को 108 पद, पूरे 108 पद उतने ही समुद्र ध्वनि में एक आनंद और एक मस्त और लहरी में सुनाए कि क्या कारण क्या है। और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नवारण मंत्र के माध्यम से व्यक्ति उन आठों सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है जिनको अणिमार महिमार गरिमा और लगीमा कहा गया है। उस मंत्र के ही प्रभाव से शरीर अत्यंत ही भारी हो जाता है और उस मंत्र के ही प्रभाव से शरीर अत्यंत ही लघु या सूक्ष्म बन जाता है या वायु वेग का बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली एक चिंतन मन में विचार आ रहा है उनका, ऐसा तो कैसे हो सकता है। नवारण मंत्र के मैंने अनुष्ठान किया है, नवारण मंत्र को पढ़ा है, उसके एक एक अक्षर एक एक विनियोग को किया है, एंग और रींग और क्लींग और चा और मू और डा और ये और वी और चे, उन सभी नवारण मंत्र का पूरा विनियोग अन्वय किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे वहीं पर उस सुरम्य घाटी में एहसास हुआ कि केवल जो कुछ अनुष्ठान किया गया वही नवारण मंत्र नहीं है, इसके आगे भी नवारण मंत्र की बहुत बड़ी स्थितियां हैं, बहुत बड़ा चिंतन है। क्योंकि मैंने श्लोक में जिस मार्कंड ने कहा कि हमारे अंदर ही ब्रह्म कमल पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, और जब अंदर का ब्रह्म कमल पूर्ण रूप से विकसित होगा तब हम उन तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लेंगे। यदि आपने पौराणिक काल में पढ़ा हो और देखा हो तो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेष नाग की सैया पर, और लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से एक कमल की दंडी निकल रही है, और वह कमल विकसित हो रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ऐसे चित्र आपने देखे होंगे, पौराणिक काल में पढ़ा होगा। और यह ब्रह्म कमल विकसित होता है प्रत्येक मानव के शरीर में से भी, क्योंकि ऐसा होने पर ही वह स्वयं विष्णु रूप बनता है, पौष्टिकता देने वाला। लक्ष्मी निरंतर उसके चरणों में बैठी रहती है और वह स्वयं उत्पत्तिकर्ता बन जाता है। ऐसी स्थिति इसीलिए उस नवारण मंत्र के पहले तीनों बिंदुओं में एंग रिंग क्लिंग तीनों अपने आप में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं। और मैंने वहां पर जो मुझे बोध हुआ उस ब्रह्म कमल को चिंतन करने का, और ठीक वैसा ही चिंतन और ब्रह्म कमल मुझे स्पष्ट और दृष्टिगोचर हुआ। यदि आप कभी नैनीताल गए हो तो नैनीताल के आगे रानीखेत एक स्थान है, रानीखेत से बस जाती है, आजकल एक रास्ता बना है, पहले तो ये रास्ता था नहीं, मगर आजकल रास्ता बना है, नैनीताल से सीधा बद्रीनाथ चले जाते हैं। एक तो हरिद्वार ऋषिकेश से होकर के भी जाते हैं, पर रानीखेत से भी एक आर्मी मिलिट्री वालों ने एक रास्ता निकाला है, और उस रास्ते पर चलते हैं तो एक स्थान आता है कौसानी। यदि आपने नाम सुना हो पढ़ा हो, सुमित्रानंद पंत वहां पैदा हुए थे, और महात्मा गांधी एक महीने तक वहां रहे थे, अनासक्त गीता के अनासक्त योग अध्याय का पूरा भाष्य लिखा था, ऐसा वहां लिखा हुआ भी। उस कौसानी की यों तो सूर्योदय मैंने कई स्थानों के देखे हैं, सूर्योदय मैंने उस
चामुंडा देवी मंदिर के पास में देखा है, सूर्योदय मैंने मानसरोवर तट पर खिला हुआ देखा है, और कन्याकुमारी का भी मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने देखा है, आबू के भी सूर्योदय सूर्यास्त देखे हैं, और ऐसे कई सूर्योदय हैं, मगर कौसानी का सूर्योदय भी अपने आप में एक अद्वितीय है, और लोग सुबह उठ करके उस सूर्योदय को देखने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि उस बिछी हुई पूरे बर्फ पर सातों रंग अपने आप में प्रकृति ने खिल दिए हों, एक रंग फिर उसके साथ दूसरा तीसरा, पूरा इंद्रधनुष बिछ जाता है। प्रकृति को कभी देखने की जरूरत है। प्रकृति तो दोनों हाथों से अपने सौंदर्य को लुटाती भी है, मगर देखने की आंखें भी चाहिए और स्थान भी चाहिए। उस बस से आप तो बद्रीनाथ चले जाते हैं, मगर देखने की चीज और है। उस कौसानी से केवल 6 किलोमीटर 6 मील दूर एक और स्थान है, वह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव का स्थान। वहां के लोग उस मंदिर को, उस स्थान को देखते हैं, जानते हैं, और मैं सोचता हूं कि संसार का अपने आप में एक अद्भुत अनिवर्चनीय स्थान है। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सतोवन में जो वातावरण देखा, वहां पर जैसी वेद की ऋचाओं को मैंने अपने कानों से स्वतः प्रकृति निर्मित उन ऋचाओं को सुना, और जिस प्रकार से नवारण मंत्र का मूल भाष्य जो भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं समझ में आया, ठीक वैसा ही वातावरण वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर स्थान के आसपास भी देखने को मिलता है। यदि वहां नहीं जा सके तो यहां तो जा ही सकते हैं, ठीक वैसा ही। और मानसरोवर जिस प्रकार का मूल मानसरोवर है उसका अगर लघु रूप बना दे तो ठीक वैसी झील, प्रकृति निर्मित झील, और स्वतः बर्फ से निर्मित अद्भुत अनिवर्चनीय शिवलिंग। मैं सोचता हूं कि अपने जीवन में मैंने तो सैकड़ों बर्फ से बने हुए शिवलिंग देखे हैं, केवल अमरनाथ की गुफा में नहीं देखा, इसके अलावा भी उस राक्षस ताल के पास भी शिवलिंग बना हुआ देखा है जो रोज बनता है, 51 फुट 52 फीट ऊंचा, और रोज मिटता है। कहते हैं कि रावण स्वयं राक्षस ताल के पास बैठ करके उस भगवान शिवलिंग, बर्फ के शिवलिंग को बनाता है, पूजन करता है, रोज विसर्जित करता है, और ऐसे मैंने शिवलिंग देखा है उस मानसरोवर के पास, राक्षस ताल के पास। मगर इन सारे शिवलिंगों की अपेक्षा वह शिवलिंग अपने आप में ही अद्वितीय है, और अद्वितीय ये कि बाकी सारे शिवलिंग मैंने श्वेत बर्फ के बने हुए देखे, चाहे वह सतोवन में देखा हो, चाहे मानसरोवर के पास में देखा हो, चाहे अमरनाथ की गुफा में देखा हो, मगर उस नीलकंठेश्वर महादेव का जो स्थान है अत्यंत, रास्ता तो भीड़ है, एक बहुत हल्की सी पगडंडी है, और वहां के व्यक्तियों से पूछें तभी आप जा सकते हैं, और बीच की जो घाटी है वह बहुत चढ़ाई की है, और मैं सोचता हूं कि बहुत कठिन चढ़ाई की। यदि आप यमुनोत्री जाएं तो आपको जैसा मालूम पड़े कि वो जितनी कठिन चढ़ाई है करीब 0.5 किलोमीटर मील, ऐसी करीब 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई है, मगर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आदमी जा ही नहीं सके, और इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है कि आदमी पहुंच नहीं सके, मगर वो 2-2.5-3 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ों के मध्य में, 7 पहाड़ हैं हिमालय के, हिमालय के 3 भाग हैं, सर्वोच्च भाग, मध्य भाग, अंत्य भाग। अंत्य भाग को तो हम देखते ही हैं, गढ़वाल में चले जाएं आप, टिहरी चले जाएं, ये सब अंत्य भाग में है। मध्य भाग में काश्मीर का सारा प्रदेश मध्य भाग में, और सर्वोच्च भाग जो हिममंडित है हिमालय के ऊपर, जिसको हिमालय जिसको कहते हैं, इस मध्य भाग में वह नीलकंठेश्वर स्थान, वहां के लोग उसको नीलाउत कहते हैं। यदि आप नीलकंठेश्वर महादेव पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर वहां नीलाउत कहते हैं, और यदि पूछे वहां कौसानी को कि हमें नीलाउत जाना है तो 4 बार तो वो आपको देखेंगे, फिर आपके शरीर को और आपके पैरों को और आपके हाथों को देखेंगे, फिर वो कोई चलने के लिए तैयार हो जाए तो चलने के लिए तैयार हो जाए, मगर जाना तो जरूर चाहिए जीवन में। वह पूरा करीब 8-9 फीट 10 फीट 11 फीट ये जितनी मेरी छत है, इस छत जितना बर्फ का शिवलिंग, पूरे नीले रंग के बर्फ से बना हुआ शिवलिंग, अद्भुत, अपने जीवन में मैंने देखा नहीं है। मैंने तो स्विट्जरलैंड में भी जहां पर की टेट उस टिटनिस ले जाते हैं, वहां पर भी उस शिवलिंग को देखा है, बर्फ के बने हुए स्वतः, जहां बर्फ प्रकृति काम करती है वहां भी बनते हैं, मगर बर्फ तो स्वच्छ होती है, सफेद होती है, नीले, बिल्कुल नील वर्ण का, जैसे आपने माला देखी बिल्कुल ऐसा, और ऐसी बर्फ, उसके आसपास का सारा प्रदेश सफेद है, सारी भूमि सफेद बर्फ से ढकी हुई है, सारा बर्फ नीला रास्ता है, मगर वह नीलकंठेश्वर अपने आप में पूरे नीले रंग का शिवलिंग अपने आप में अद्भुत अनिवर्चनीय है। मैं सोचता हूं कि बहुत दूर नहीं है, नैनीताल तो आपके पास में और कौसानी तक बस जाती है, और 6 मील का ही तो रास्ता है, कोई बहुत अत्यंत बीयर्ड रास्ता भी नहीं बता रहा हूं,
मगर आप देखें इसकी विशेषता एक और, वह तो है ही, मगर उसकी विशेषता यह है कि वहां जब आप बैठे तो स्वतः ध्यानस्थ प्रक्रिया बन जाती है और कहीं नहीं बन सकती, तपोवन में भी नहीं बनती। स्वतः ध्यानस्थ आप बैठे और बैठते डूब जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर के शायद आपको कितना भरोसा आएगा, मगर मेरी राय में आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को तो देख ही लेना चाहिए। मानसरोवर तो कभी भाग्य हो और जाए, सतोवन तो कभी आपका सौभाग्य उदय हो तो जाए, मगर यह तो बहुत सीधा साधा रास्ता है। वहां पर आदमी अपने आप में ध्यानस्थ हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि उन अद्भुत ऋचाओं को जो शिव से संबंधित ऋचाएं, वे ऋचाएं अपने आप में पूरी कानों में सुनाई देती है। ओम नमः संभवाय चमयो भवा या च नमः शंकर, सीधी ऋचाएं। और जब मैं वहां बैठा, वह जो मेरे साथ ग्रामीण था, उस ग्रामीण ने काफी ही हिरले करने के बाद तो मुझे ले गया, मैं तो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस ग्रामीण को मैंने कहा तुम बैठो, मैं उस मंदिर के, उसने कहा कि मंदिर में जाओगे तो मर जाओगे आप, स्वामी जी आप अंदर मत जाओ। मैं क्यों मर जाएंगे, उनका यहां मर जाते हैं, भक्ष लेते हैं, यहां पर इनके गण हैं, वे गण आदमी को खा जाते हैं। मैंने कहा कि अगर भगवान शिव मुझे भक्षण ही कर लें तो इससे बड़ा तो जीवन का कोई सौभाग्य ही नहीं होगा। मैं कहा तू भक्षण करने दे, उसने मेरा हाथ पकड़े, मैं उसको खींचूं, वो मुझे खींचे, वो सोचे कि ये बेचारा सन्यासी मर जाएगा, ये मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं है। मैं उसको कह रहा हूं कि मैं इस नील वर्ण कंठ को देख के अगर मैं पास में नहीं बैठूं तो जीवन का कुछ मकसद नहीं। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये आवाजें सुन रहे हो तुम? अब उसको ऋचाओं का तो कुछ ज्ञान था नहीं, जीवन में उसने मंत्र सुने नहीं थे, मगर उसने कहा कि यहां पर ऊपर मार्ग से यक्ष जो भगवान शिव के जो गण है वे घूमते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज। वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पहाड़ी लोग तो दो दो मिनट में लड़ते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और ये बात भी डेफिनेटली मैंने देखा है। एक और बात कि वहां पर उस नीलकंठे पर जाने पर मुझे चार पांच बार जाने का मौका मिला, कोई एक बार ही नहीं, मैं तो उसकी घटना बता रहा हूं। उस रास्ते पर 6 मील के रास्ते में करीब 4.5 मील या 5 मील तक जाते हैं तो बीच में एक टुकड़ा आता है करीब 1000 गज का। पूरा रास्ता करीब 1 मील तो पूरा बर्फीला ही रास्ता, पहाड़ी रास्ता है, बर्फ का रास्ता है, मगर वो जो 5 या जो 2 फरलांग जितना रास्ता है, वो रास्ता ऐसा है उस रास्ते पर पांव रखते पूरा शरीर क्रोधित हो जाता है गुस्से में। एक बार मेरे साथ 4-5 ग्रामीण थे और वे किसी अपनी मनोती जब मानते हैं और जब उनकी मनोती पूरी हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 के झुंड में जाते हैं, क्योंकि एक झुंड में जाने पर वो गण उनको खा जाते हैं ऐसे, क्योंकि उस समय बड़े ही भालू और रींछ और शेर और व्याघ्र बहुत अधिक थे और किसी समय भक्षण हो जाता था। शायद उसी डर के मारे ग्रामीणों में यह आस्था यह चिंतन रहा होगा। मगर मैंने यह देखा कि दूसरी बार मेरे साथ 5 लोग थे ग्रामीण और वे कोई मनोती के लिए जा रहे थे, मैं भी सन्यासी था, मैंने कहा चलिए चल रहे हैं और मैं उनके साथ चल रहा था। और उस 2 मीटर के टुकड़े में इतना क्रोध आता है कि आपस में लड़ने लग जाते हैं और वो ही लड़ने, मुझे भी क्रोध आता, मैं भी उनको 1-2, 4 थप्पड़ लगा रहा था और वो मेरा पकड़ रहे हैं। और जो ही वो टुकड़ा पार करते हैं सोचते मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या पागलपन है, इनको थप्पड़े क्यों लगाइए, और वो भी सोच रहे सन्यासी आपने थप्पड़े क्यों मारी मुझे। तो हमने कहा भाई कुछ मुझे तो ज्ञान ही नहीं, उनका महाराज यहां पर यक्ष लड़ते हैं और यहां पर निश्चित रूप से लड़ाई होती ही है। उनकी शुरू में जो बातचीत उनके थे वहां गुरु जी, वहां लड़ाई होती है सन्यासी जी, और वहां कुछ नहीं, आदमी अकेला हो तो अपने को खुद पीटने लग जाता है, मरने लग जाता है, मर जाता है, बर्फ के ढेरों को फोड़ने लग जाता है। ये ग्रामीण अपने ढंग से बात करते होंगे, ठीक देख लेंगे, वो गण लड़ते हैं जूझते हैं गुरु जी, मैंने कहा ठीक है जूझते होंगे देख लेंगे। मगर मैंने उस टुकड़े को ऐसा भी देखा और आज भी ऐसी स्थिति है उस टुकड़े में, क्या भूभाग में क्या स्थिति है, मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ न कुछ एक प्रकृति की कुछ लीला होगी। मगर ऐसा है उस टुकड़े में अगर व्यक्ति अकेला भी पार करे तो पूरा शरीर गुस्से में, सारी गालियां मुंह से निकलती हैं और ऐसा निकलता है कि उसने मुझे किया है, मैं उसको देख लूंगा सारे को, पत्नी होती तो पत्नी का गला पकड़ लेता। और उस टुकड़े को पार करने के बाद आदमी खुद नॉर्मल हो जाता है, क्या हुआ। खैर उस नीलकंठेश्वर का शिवलिंग और उस शिवलिंग की उस वैदिक ऋचाओं को पूर्ण जैसे कि शिव स्तुति हो रही हो और रावण का पूरा जटाकटा हसम भ्रमा भ्रमण निलिंप निर्जरी बिल्कुल दुनिया आ रही है, ऐसा लग रहा है। यदि आप यदि पहले सुनी हुई हो तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये ध्वनि वो है। यूं तो आपके पास मंत्र सुने तब आप कंफर्म नहीं कर सकती कौन सा मंत्र है या क्या ध्वनि है। तो वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर महादेव के सामने जो ताल है वह ठीक पूरे मानसरोवर का एक छोटा सा भाग है,
और पूर्ण रूप से ब्रह्म कमल विकसित हैं। ऐसे सुंदर कमल, अब मैं आज की घटना तो नहीं कह सकता, ताल तो जरूर होगा ही, अब ब्रह्म कमल इस समय विकसित हो रहे हैं या नहीं, मगर उस समय मैंने ब्रह्म कमल 1 मीटर लंबा चौड़ा फूल होता है, आप कल्पना करें उस घेरे का, इतना अद्भुत दृश्य। आज भी जरूर ब्रह्म कमल वहां होते होंगे, क्योंकि अभी तक उन व्यापारियों के और उन लालची व्यक्तियों के नजरों से वो स्थान सुरक्षित है। जिसमें वहां बसें चलने लग जाएंगी तब कोई ब्रह्म रहेंगे ना कोई कमल रहेंगे, वहां चाय की छोटी सी दुकान बन जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वहां पर भी मैंने उस नवारण मंत्र के ही चिंतन को स्पष्ट किया। शिव की ध्वनि तो आ रही थी, मगर साथ ही साथ मन में विचार हो रहा था कि एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छेर, चामुंडा विच्छेर का मतलब ये 8 सिद्धियों का ये मूल चिंतन है, ये भावनाएं हैं। ऐसा मैं उस मंदिर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद एक शिलाखंड पर बैठ करके सोचने लगा कि ये बिल्कुल विपरीत विरोधी विचार क्यों है। यहां मुझे भगवान की स्तुति होनी चाहिए, शिव का एकदम पाठ होना चाहिए, उसमें रावण का शिव जटा लहरी का मुझे पाठ मेरे मुंह से निकलना चाहिए, या उस रुद्राष्टाध्याय का पाठ निकलना चाहिए, या शिव मंत्र निकलने चाहिए। यहां उस देवी भगवती का एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे का मूल विन्यास क्यों निकल रहा है, और यह केवल इतना ही मंत्र नहीं है एंग रिंग क्लिंग, इसका पूरा विन्यास है, और यदि विन्यास करें तो कम से कम 20-22 पृष्ठों में, और सारा विन्यास मेरे आंखों के सामने निकल रहा था, मेरे होठों से निकल रहा था, मेरे जबान से निकल रहा था, और जो ही मंदिर से बाहर निकला तो वह विन्यास अपने आप में समाप्त और पूरा शिव का मैं महिमा सूत्र का पाठ कर रहा था। अमंते पारंते परम विदुषो यदिया अशित ग्रीषम से आत का जलम सिंधु पात्र ईश्वर तरुषा का, ठीक जैसा बोध मैं उसकी और आदि की घटनाओं की छोड़ करके मैं आपको उस चिंतन पे ला रहा था कि उस मंदिर में भगवान शिव के उस मंदिर में पूरी शक्ति का पूर्ण चिंतन विचार धारणा ध्यान, वैसे ही मंत्र, वैसी स्थितियां, वही दुर्गा सप्तशती के मंत्र होठों से उच्चरित हो रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप बैठते हैं तो आपके मुंह से क्या दुनिया निकल रही है आपको खुद को पता नहीं होगा। टैप रिकॉर्डर पास में और वापस घर आके सुने और किसी पंडित से सुनावे तो आपके मुंह से बिल्कुल स्पष्ट ऐसी दुनिया जो भगवती देवी से और नवारण मंत्र से और नवारण साधना से संबंधित होगी। आज के युग में भी ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में अत्यंत दिव्य और पवित्र और चेतना युक्त हैं। मैं उस सतोपंथ के वहां पर उस जब बहुत भारी हो गया और वापस मंदिर में बैठा तो पूरे में 24 घंटे करीब करीब बैठा, 24 घंटे नहीं तो 20-21 घंटे बैठा, 5-7 घंटे बैठा, फिर मैं घूमा आसपास घूम करके देखा, फिर मैं 2-3 घंटे के लिए बैठा, मगर मुझे वहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही थी, और वहां पर भी उस नवारण मंत्र का ही पूरा चिंतन चल रहा था। कल मैंने आपके नवारण मंत्र के बारे में, एंग के बारे में समझाया था, फिर मैंने रिंग के बारे में समझाया और क्लीम के बारे में भी समझाया कि वह समस्त विकारों को समस्त कमियों को दूर करने वाला बीज है, और शत्रु का मतलब वह व्यक्ति नहीं जो हमारी आलोचना करता है या हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, बुढ़ापा जैसा कल मैं समझाया, बुढ़ापा भी हमारा शत्रु ही है, जिससे हम घृणा करते हैं वह शत्रु है, बुढ़ापे से कोई प्यार नहीं करता, सफेद बालों से कोई प्यार नहीं करता, कमजोर शरीर से कोई प्यार नहीं करता, रोग से कोई अटैचमेंट नहीं रखता, ये जिनसे हम अनुरक्त नहीं होते वे शत्रु हैं, उन शत्रुओं को समाप्त करने की क्रिया भी क्लीम के माध्यम से ही संभव है, क्लीम साधना के माध्यम से ही संभव है। मगर इसके साथ ही साथ उस इन दोनों तीनों बीजों को मैं अभी 3 बीज ही समझा रहा हूं, उन तीनों बीजों के निश्चित रूप से कई चिंतन उन 8 सिद्धियों अणिमादि जो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा, मैंने आपको उदाहरण दिया, उनका चिंतन जितना प्रत्यक्ष रूप से मुझे सतोपंच में हुआ ठीक वैसा ही चिंतन उस मंदिर में भी हुआ नीलकंठेश्वर महादेव में। आप उस बर्फ के उस शिवलिंग को और उतने भव्य शिवलिंग को, अद्वितीय शिवलिंग को देखें, और शिवलिंग के साथ साथ आप मंदिर में बैठते हैं, मंदिर पत्थरों का बना हुआ, पत्थरों का गुफा की तरह, और गुफा में अंदर जाते हैं तो गुफा करीब 10-11 फीट तो बिल्कुल ऐसी है जो आदमी सरक करके अंदर जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए, पूरा आदमी खड़ा होकर तो बैठ करके भी नहीं जा सकता, करीब करीब सरक करके जाता है, और मगर वहां पर भी उसी देवी का चिंतन और विचार और धारणा ही निकलती है। उस एंग रिंग क्लिंग, देखिए अब आपकी इसकी उच्चारण ध्वनि,
एंग रिंग क्लिंग, मैं ग की ध्वनि के साथ उसकी बात बता रहा हूं। यों ये तीनों बीज 52 ध्वनियों के साथ उच्चारण होते हैं, एम रिम क्लिंग, एंग अंग रिंग क्लिंग, आंग रिंग रिंग क्लिंग, एंग रिंग क्लिंग, कई प्रकार की इनकी ध्वनियां हैं। और ध्वनि से ही किसी का चिंतन होता है। मैं अगर अमेरिका में जाऊंगा तो बिल्कुल दूसरी दुनिया कहनी पड़ेगी, वास्तव में ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं पूछू आपका शुभ नाम क्या है, बस अब वहां ध्वनि बिल्कुल मुझे दूसरी बोलनी पड़ेगी, वो ध्वनि वहां काम करेगी। आपकी यहां की दुनिया है, यहां पूछना पड़ता है कि आपका शुभ नाम क्या है, ये दुनिया बिल्कुल सही है। और वहां पूछू आपका शुभ नाम क्या है, अब ये दुनिया वहां काम नहीं करेगी। तो अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए एक ही चीज को अलग अलग ध्वनियों के साथ उच्चारण करना पड़ेगा। मैं आपको एक स्थूल उदाहरण देकर समझा रहा हूं। उसी प्रकार से मूल रूप से उस नवार्ण मंत्र की 52 ध्वनियों के साथ 52 प्रकार के कार्य सिद्धि की जाती है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उसकी ग की ध्वनि के साथ उच्चारण किया जाए, एंग रिंग क्लिंग। यह तो आगे की स्थिति है कि आप कितने शिष्य बनते हैं, कितने उस गुरु के पास जाकर के क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये तो उसके ऊपर है। मैंने कहा कि शिष्य की सीमा अनंत है और गुरु अगर देने वाला हो तो अनंत है, मगर उसका आनंद, उसकी अनिवर्चनीयता अपने आप में अद्भुत है। आपने यहां 2 और 3 दिन देखे, जरूर आपने यहां 2 दिन बिताए होंगे, मगर ये जो रस बरसने का जो आनंद है अपने आप में निश्चिंत, भजन हो रहे हैं, गायन हो रहे हैं, संगीत हो रहे हैं, गुरु बैठे हैं, वो अपने उन स्थितियों को, उन चिंतनों को जो हमने सुना नहीं, समझा नहीं, कभी एहसास नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं, और उनको सुनते, इससे बड़ा आनंद और जीवन का फिर क्या हो सकता है। क्या बच्चे पैदा करने में आनंद आता है, क्या उनको लूट मार करके 4 रुपए कमाने में आनंद आता है, वो आनंद नहीं है, वह तो तृष्णाएं हैं जो दौड़ धूड़ करके इकट्ठा कर। कल भी मैंने समझाया कि उसको इकट्ठा करने में आप उसका क्या आनंद ले रहे हैं। मैंने तो उस धन को मान लो एकत्र किया, उस धन के माध्यम से अपने शिष्यों को फिर कन्याकुमारी तक ले गया, रामेश्वरम तक ले गया, अमरनाथ गुफा तक ले गया, और मैं सोचता हूं कि भारतवर्ष में कोई तीर्थ नहीं रहा होगा जहां अपनी पत्नी को नहीं ले गया, बच्चों को नहीं ले गया, अमेरिका। मैं तो उस धन का उपयोग कर रहा हूं, मगर आपको भरोसा नहीं हो तो यहां पर 2 किलोमीटर दूर चांदपोल एक स्थान है जहां 5,000 सिमाली के घर हैं, मेरी जाति के ये, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, कोई मुझे आलोचना करने में कोई संकोच नहीं अपनी न्यूनताओं और विशेषताओं को। और उनके पास भी 4-4, 5-5 लाख रुपए होंगे, क्योंकि पूर्व जो संचित धन इकट्ठा होता रहता है, खर्च वो करें नहीं। और शाम को ये गमछा फटा हुआ ये पहन करके बैठे रहते हैं, क्योंकि धोती फट जाएगी, वापिस पहन के कल जाना पड़ेगा, और ऐसा बैठे रहते हैं। और आज सब्जी लाएंगे, 3 दिनों तक उसी सब्जी को पका पका खाते रहेंगे, वो धन का क्या यूज क्या दिन? और आप जो कुछ धन एकत्र कर रहे हैं, अगर आप उसका आनंद नहीं उठा पाए, आप कौशामी जिंदगी में जावे ही नहीं, तो फिर आपके उस धन को आप इकट्ठा करके करेंगे भी क्या, यूटिलिटी क्या होगी? यह जीवन तो अपने आप में कोई बहुत बड़ा मूल्यवान और महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में जो कुछ प्राप्त कर सके वह महत्वपूर्ण है। और अपने प्रयत्नों से, मैंने आज से 3 साल पहले यात्राएं करवाई थी, 2 बार 3 बार यात्राएं करवाई, अमरनाथ की भी, रामेश्वरम की भी, कन्याकुमारी की भी, बद्रीनाथ की भी। मैं 2 साल यात्राओं पर जा नहीं सका, आप लोग भी जा नहीं सके। आप अपने प्रयत्नों से जाएं, अपने जीवन को देखें, उस सत्य का उद्घाटन करें। और मैं उस नवार्ण मंत्र की व्याख्या को, जो मूल उस मार्कंडेय पुराण के श्लोक की बात कर रहा हूं, मैं तो एक एक श्लोक पर बात कर रहा हूं, एक श्लोक की एक पंक्ति पर बात कर रहा हूं, कि श्लोकों में कितना गूढ़ चिंतन है जिसको समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म कमल हमारे अंदर विकसित है, उसको प्रस्फुटित करने की जरूरत है। कैसे करें प्रस्फुटित? अगर हमारे अंदर है ब्रह्म कमल तो प्रस्फुटित कैसे करें? और यदि उसने कहा है ब्रह्म कमल है, ये तो हमने भगवान विष्णु की नाभि से निकलते हुए देखा है, उस चित्रों में देखा है, और इसका मतलब है कि नाभि के माध्यम से उस नवीन सृष्टि का निर्माण हो सकता है जैसा कि विष्णु ने किया। और विष्णु, विष्णु का नाम है पुरुषोत्तम और आपका नाम है पुरुष, और उस एंग रिंग क्लिंग साधना का मूल तत्व तो समझ लेंगे तो आप पुरुषोत्तम बन जाएंगे, इतना ही तो है। उस सामान्य व्यक्ति से ऊपर की स्टेज वाला व्यक्ति है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। यह श्रेष्ठ, यह उत्तम, यह सर्वोत्तम, यह पुरुष, यह पुरुषोत्तम। अगर आप सामान्य पुरुष हैं तो आप पुरुष हैं, मगर पुरुषोत्तम बनने के लिए आपको शिष्य बनने की जरूरत है। वैसा शिष्य जहां कुछ ग्रास्प कर सकें, पा सकें, वहां हिसाब किताब नहीं कर सकें,
और हिसाब किताब करके क्या प्राप्त हो सकेगा, क्या हो जाएगा, उस जीवन का आनंद ही क्या है। उन सारी स्थितियों को हम जीवन में देखें, नहीं देखें तो गुरु के साथ जाएं, गुरु को पकड़ के ले जाएं, खुद जाएं, मगर उन चीजों को देखें, उस साथ उस सत्य का साक्षात्कार कर सकें, उसका एक आनंद ले सकें। जैसा आप आनंद ले रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। यहां पर तृष्णाएं नहीं है, यहां सुख भी नहीं है। सुख तो आपको मिल ही नहीं रहा है, यहां मैं आपको सुख नहीं दे रहा हूं। आप वहां बैठे, हवा आपको नहीं मिल रही है, पंखा मैंने लगाया नहीं, आपके लिए मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से शरबत और दूसरे बिस्कुट और डबल रोटियां नहीं रखी है, ठंडे पानी की बोतलें नहीं है, फ्रिज आपके पास नहीं, सुख की सुविधाएं मैंने नहीं दी है, मैंने आपको आनंद की सुविधाएं दी है। और आनंद जीवन का मूल धर्म है, मूल चिंतन है, मूल विचार है। यदि हम आनंद प्राप्त कर सके, मूल दे सके, और उन एंग्री क्लिंग के तीनों बीजों को उस मार्कंडे ने कहा कि इस मंत्र के माध्यम से हम अपने ब्रह्म कमल को विकसित कर सकते हैं। मार्कंडे श्लोक में ऐसा बताया, मगर कैसे कर सकते हैं यहां मार्कंडे ने श्लोक में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए नहीं बताया कि उसने तो बताया मगर कोई समझ ही नहीं सके, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज भूमानंद जी ने एक भजन सुनाया कि भगवान तो बिल्कुल तुम्हें पैदा किया ही, नर दे दी, मगर तुम कीर्तन कर ही नहीं सको, भजन करो ही नहीं तो भगवान क्या करेगा, उसका क्या दोष है। इस मंत्र को आप समझे ही नहीं, उस मंत्र के अनुरूप आप चले ही नहीं, तो मंत्र बेचारा क्या करेगा, गुरु क्या करेगा। आप यहां से जाने के बाद बिल्कुल टांग करके बैठ जाएंगे, फिर दूसरे नवरात्रि में खींच के बुलाऊंगा तो फिर आप आ जाएंगे, वह नहीं। आपकी निरंतरता बननी चाहिए, उस जीवन के आनंद को लेना चाहिए। वहां पर उस दोनों सिद्धियों में, उन आठों सिद्धियों में मूल रूप से कई प्रकार की सिद्धियां हैं। एक सिद्धि जिसमें पूर्णता प्राप्त की जाए, और पूर्णता कहते हैं, मैंने कल भी बताया कि हम जो कुछ चाहें वह प्राप्त हो उसको पूर्णता कहते हैं। मेरी जो इच्छा हो वह पूर्ण हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो। यदि मैं चाहूं संपत्ति, संपत्ति मिले, यदि मैं धन चाहूं तो धन मिले, यदि मैं पुत्र चाहूं तो पुत्र मिले, यदि मैं सौभाग्य चाहूं तो सौभाग्य मिले, जो मेरी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर साधनाओं का मतलब भी क्या है, इतनी उच्च कोटि की चिंतन है ही क्या। इसको अणिमा साधना कहते हैं, जो हम चाहें वैसा प्राप्त हो सके। क्या ऐसी कोई विशेष साधना है, ऐसी कोई विशेष साधना नहीं है। नवान मंत्र में अपने आप में ही वह साधना है। और कल भी मैंने आपको बताया कि मैं इस पूरे नवरात्र शिविर में आपके सामने एक दो बातें और रख देता हूं कि बहुत अधिक एक्स्ट्रा साधनाएं नहीं करवाऊंगा इन नौ दिन में, अब आगे एक या दो साधनाएं करवाऊंगा, इसलिए बहुत अधिक आप विचलित और चिंतित नहीं हो। मगर जो आवश्यक है, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, उन साधनाओं को मुझे करवाना ही पड़ेगा। जैसे सतोवनी साधना के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं परसों के दिन, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में विशेष विधि विधान के साथ जहां आपको नवारण दीक्षा दूंगा, वहां आपको सतोवंत दीक्षा भी दूंगा, जो कि आपके जीवन की अपने आप में एक अनिवर्तनीय और अद्भुत दीक्षा होगी। मैं सोचता हूं कि सतोपंथी दीक्षा मैंने सन्यासियों को तो जरूर दी होगी, मगर ग्रस्त शिष्यों को दी ही नहीं, कभी नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि ऐसे शिष्य मेरे सामने खड़े ही नहीं, मैं तो क्या करूं। मगर वो तो एक प्रवाह, एक लहर है। अब बातचीत में, लहर में जब मैं उस सत्वमंत का वर्णन कर सका था, तो मेरे जीवन में मकसद में आया कि मैं इनको ऐसी स्थिति दूं और ऐसा ही इनको दीक्षा दूं। तो परसों का दिन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, जहां आप अपने स्वतः अंदर में एक रिलोर, एक लहर, एक चिंतन महसूस कर सकेंगे कि वास्तव में बहुत कुछ हुआ है, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कल भी अपने प्रवचन में ऐसी बात बताई थी कि उन क्रियाओं के माध्यम से, आवाहनी मुद्रा, प्रणिपात मुद्रा, विसर्जन मुद्रा, इन मुद्राओं के माध्यम से ही हम उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आसन हो, इस प्रकार से बैठें, इस प्रकार से प्रणिपात करें। यह मैंने मुद्रा की है, मुद्रा की आया कि नहीं आया, बैठे मुद्रा के माध्यम, मैंने बोला ही नहीं, मैं तो मंत्र ही नहीं बोला हूं, इसका नाम ही नहीं उच्चारण, केवल मुद्रा की है। अब आप कहते हैं मुद्राओं का प्रभाव पड़ता ही नहीं, मैं तो आपके सामने प्रैक्टिकल दे रहा हूं, मुद्राओं का प्रभाव पड़ रहा है। मुद्रा
देवताओं को आवाहन करने के लिए भी मुद्रा की जरूरत है। मुद्रा का मतलब है एक तरीका, एक सिस्टम। और उस अणिमा सिद्धि को भी प्राप्त करने के लिए मुद्रा की जरूरत है, उसको अणिमा मुद्रा कहते हैं। उस अणिमा मुद्रा के माध्यम से उस नारायण के बीजों का उच्चारण किया जाए तो जीवन में जो कुछ चाहते हैं वह प्राप्त होता ही है। और ऐसा तब हो सकता है जब आपके कंठ में, आपकी सरस्वती में, आपकी जबान में आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाए, श्राप देने की क्षमता आ जाए, दोनों ऐसा ही होगा। जहां ऐसा होगा, ऐसा हो जाए, ऐसा तब हो सकता है जब आपके पास अणिमा सिद्धि हो। अणिमा सिद्धि भी नवारण मंत्र के माध्यम से ही संभव है। उस नवारण मंत्र की जो आवाहनी मुद्रा है वह ठीक वीरासन में बैठ करके, जैसे कि मैंने बताया कि नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, वीरासन कहलाता है। मगर उस वीरासन में और ये वीरासन में अंतर है। वे बैठते हैं, पंजों को जमीन पर टिका देते हैं, एड़ी के ऊपर अपने इस गुज्जर प्रदेश को टिका करके बैठते हैं। और वीरासन होना चाहिए इस साधना के लिए कि दोनों पंजे मिले हुए हों और दोनों एड़ियां खुली हुई हो, इन दोनों के बीच के भाग पर हमारा गुज्जर प्रदेश टिका हुआ। वैसा हो सकता, दोनों पंजे मिलकर के एड़ियों को खुली कर दे, यूं तो एड़ियां मिली हुई होंगी तो पूरा उस भाग उसके ऊपर टिका हुआ होगा आपका शरीर, एक तरीका तो ये है। और दूसरा, आपके पंजे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं, कमल की तरह हो जाएंगी, उसके ऊपर आप बैठे हुए, ये सीधा वीरासन है। इस वीरासन में बैठ करके और पूर्ण ब्रह्मांड को भक्षण करने की जो क्रिया है उसको चंचुवत क्रिया कहते हैं। ये नवान मंत्र, उस श्लोक का मैं तो अर्थ बता रहा हूं अभी तक, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। जो मैंने प्रारंभ में श्लोक बोला है उस श्लोक में उसने क्या बताया है मैं तो वो बता रहा हूं। चंचुवत का मतलब है जीभ को बिल्कुल यू टाइप बना देना, जैसे अंग्रेजी का यू अक्षर होता है, जबान को बाहर निकाल दे यू टाइप बना, इसको योग में शीतलीकरण क्रिया भी कहते हैं, यदि आपने कभी पढ़ा हो शीतलीकरण क्रिया। और इसके माध्यम से पूरे वायुमंडल को पीने की क्रिया, बाहर के वायुमंडल को पीने की, उस वीरासन में बैठ करके शीतलीकरण मुद्रा करते हुए उस वायु भक्षण के साथ साथ एंग्रिंग क्लिंग को भी भक्षण करते रहे, उच्चरित करते रहे, यह अणिमा सिद्धि का प्रयोग है। बहुत कठिन नहीं है। और आपको एक तरीका और बताऊं, आप इसको प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल ऐसे करें कि अपने सामने एक थाली रखें और थाली के ऊपर एक चम्मच रख दें, छोटा सा चम्मच होता है स्टील का, हल्का सा, बहुत भारी नहीं, और थाली चिकनी होनी चाहिए बिल्कुल। थाली को उल्टा कर दें, स्टील की कोई थाली, और थाली के ऊपर एक चम्मच रख दें, पंखा वंखा चलावे नहीं क्योंकि पंखे से वो घूम जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर आप सामने बैठ जाएं, और सामने बैठ करके और ठीक इसी प्रकार से जब मैंने वीरासन बताया उस प्रकार वीरासन में बैठें, और वीरासन में बैठने के बाद शीतलीकरण क्रिया करें। सीधा शीतलीकरण में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, और जितना ज्यादा वायु भक्षण कर सकें करें, और निरंतर अपने अंतस चेतना में एंग्रिंग क्लिंग का उच्चारण उतरे, एंग्रिंग जामुंडावित, एंग्रिंग जामुंडावित, और ऐसा आप 10 मिनट करें, सांस लें फिर वापस शीतलीकरण करें। मंत्र, उस मंत्र को अंदर लेना, वायु का जो फैला हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में यह पूरा मंत्र फैला हुआ है। एंग्रिंग क्लिंग कोई किताबों पर नहीं, किताबों में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, किताबों पर लिखा हुआ ही नहीं, वो तो हमने लिखा है। आखिर यह मंत्र आया कहां से, यह वेद की ऋचाएं कहां से आई? और मैंने कहा था प्रकृति ने इन वेद की ऋचाओं को उन ऋषियों को दी, ऋषियों ने अपने मुंह से निकाली, आगे के शिष्यों ने कागज पर लिखी, ऋषियों ने ऋचाओं का कोई लेखन नहीं किया था। और इस मंत्र को भी, नवान मंत्र को भी किसी ऋषि ने नहीं उच्चारण किया है, क्योंकि फिर तो विनियोग में होना चाहिए कि अमुक ऋषि का इसने इसको ऋचाओं को पाठ किया, इस मंत्र को लिया और फिर विन्यास किया, विनियोग में तो है ही नहीं, नवान का तो कोई विनियोग ही नहीं है। इसका मतलब है कि यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, और जो ये वायुमंडल में फैला हुआ मंत्र है उस मंत्र को हम अपने अंदर सिंचित कर रहे हैं उस शीतलीकरण के माध्यम से। उस जबान को बाहर निकालें और बाहर निकाल के उस यू टाइप बना दें, और उस वायु को पीते हुए उस मंत्र को भी उच्चरित करते रहें।
और फिर सांस लें, क्योंकि आप बहुत लंबा सांस नहीं ले सकते, फिर सांस लें, फिर खींचे, करीब करीब 10 मिनट करें, और 10 मिनट करने के तुरंत बाद उस चम्मच की और पूरा ध्यान एकत्र करते हुए कहें कि चम्मच घूम जाए, चम्मच घूम जाए। आप करके देख लें, चम्मच को घुमा सकते हैं तो थाली को भी सरका सकते हैं आगे जाकर के। जितना आप उस मंत्र को आत्मसात करेंगे, जितना आत्मसात होगा उतना ही ब्रह्म कमल विकसित होगा, जितना ब्रह्म कमल विकसित होगा उतनी आप में आशीर्वाद शब्द कहने की क्षमता होगी, आशीर्वाद और श्राप कुछ भी नहीं। यदि आप जाए तो उस भाषा को आप ही सुन सकते हैं, उन वेद की ऋचाओं को, चिंतन को। यदि आपको मार्कंड पुराण के श्लोक याद है तो उसका अन्वय आपके कानों में पड़ेगा, पड़ेगा तो आपको समझ आएगा कि ये कहां से आवाज आ रही है। आप बाहर खड़े होंगे, कोई आवाज नहीं कर रहा है। अणिमादि सिद्धियां कोई बहुत गोपनीय सिद्धियां नहीं है, मगर यदि आप रोज 10 मिनट का प्रैक्टिस करें और देखें तो आप अपने आप में निरंतर रोग मुक्त होते जा रहे हैं। दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि ये बंबई इसका गवाह है। आज से 6 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मेरी किडनी बहुत गड़बड़ हो गई। वहां के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा चेकअप किया और उसका किडनी का ठेठ पूरा ऑपरेशन करके लोहे का इतना टुकड़ा अंदर डाल करके और किडनी का एक पीस बाहर निकाला, जिसको बायोप्सी कहते हैं, और कहा कि आपकी किडनी डैमेज है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी काम किया तो किडनी फेल हो जाएगी। मैंने कहा फेल हो जाएगी तो इतने शिष्य हैं, उनको पत्रिका में लिखेंगे, भाई कोई किडनी मुझे देता हो तो दे, मैं किडनी वापस लगाऊं तो मुझे तो एक ही जगह 20 किडनियां मिल जाएगी। मैंने कह दिया था डॉक्टर को, मैंने कहा इतनी चिंता तो मुझे जरूरत नहीं है, शिष्यों के पास 2-2 किडनी आए, मैं तो मांगूंगा, एक किडनी तो वो तो दे ही देगा, नहीं तो ये नहीं देंगे तो सन्यासी से तो दे ही देंगे। उनका वो तो ठीक है, मगर ऐसा आप करें कि किडनी आपकी करीब 40% डैमेज हो चुकी। मैं कहा कोई बात नहीं, 40% डैमेज हो चुकी है तो ठीक है, मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। शरीर तो घिसेगा ही, रात दिन काम करेंगे तो शरीर पुर्जे घिसेंगे। उसके बाद मैंने इसी क्रिया को वापस किया, बीच में छूट गया था, और छूट गया करीब 15 साल से। मैंने रोज सुबह उठा और रोज सुबह उठ करके 7-7:30 बजे उठ करके ऊपर छत पर बैठ जाता, शीतलीकरण क्रिया करता, और शीतलीकरण क्रिया के माध्यम से और मुझे कोई रोग था ही नहीं। यह रोग था और किडनी कुछ गड़बड़ थी। और अभी मैं करीब महीने भर पहले गया उस डॉक्टर के पास, मैंने कहा तुम वापस मेरा एक्सरे लेकर के देखो। उनका कि अब 45-50 डैमेज हुई होगी, धीरे धीरे होती है। मैंने कहा वो तो होती है, मगर देख तो लो कितनी हो गई। और वो एक्सरे मेरे पास पड़े हैं, इसमें मेरे किडनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी क्लियर है। वो कह रहे ऐसा कैसे हुआ, मैंने कहा कि ये तो मैं बाद में बताया, नमाण मंत्र से हुआ। कहा कि फिर ये मुझे लिखवा दीजिए, मैं कहा ये लिखाने की क्रिया नहीं है, ये चिंतन क्रिया। मेरे सामने दोनों स्थितियां स्पष्ट है। मैंने ये बताया कि हम रोग मुक्त हो सकते हैं, मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं तो आपको कहूं कि आप 2-4 दिन ट्राई करके देखिए उस चम्मच को हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते। और केवल चम्मच को ही नहीं, घड़ी आपके सामने पूरी घूम रही है, पेंडुलम घूम रहा है, और आप उस एनर्जी को इकट्ठे करके पेंडुलम रुके, गारंटी के साथ रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा। इतनी शक्ति आप में एनर्जी बनती है, जितना ब्रह्म कमल विकसित होगा उतनी एनर्जी बनेगी। ब्रह्म कमल की एक पंखुड़ी खिलती है तो इतनी ताकत आएगी, और ब्रह्म कमल की 1000 पंखुड़ियां होती है। इसका मतलब है कि 1000 क्षमता वाला आपको ताकत आनी चाहिए, ताकत की ये है। यह तो मैंने एक सिद्धि के बारे में एक छोटा सा प्रयोग बताया, यह तो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, समय मिला तो मैं और इसके बारे में समझाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्णता और सफलता। जो भी पर तहरे दारों में रोता तो सुदामा मुँह बोले, जो भी पर तहरे दारों में रोता तो सुदामा मैं देश के चरणों का।
अनुदान उदार पिया जी भर कर माँ का प्यार मिले गुरुजी अनुदान उदार पिया जी भर कर माँ का प्यार जीवन भर इस एहसान को हम भुला न पाए भर कर
कुल धाम धर